यार आज के दिन मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का एंड अपडेट, जो कि ऑफिशियली माइनक्राफ्ट ने अनाउंस तो नहीं किया है, बट मैंने सोचा चलो मैं ही दिखा देता हूँ मेरे एंड से। और हाँ, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट ये एक मोड है जिससे की मदद से तुम लोग बेसिकली समझ सकते हो कि माइनक्राफ्ट के एंड अपडेट में क्या क्या आने वाला है। और माइनक्राफ्ट 1.20 को भी अनाउंस होने काफ़ी दिन हो चुके हैं और उससे रिलेटेड अभी तक कोई और न्यूज़ नहीं मिली है, इसलिए हम मैंने सोचा चलो इस 1.20 के नए एंड अपडेट को हम लोग चेक करेंगे। यार बेसिकली सभी लोग यूज़ करते हैं एंड पोर्टल का, पर मैं यूज़ करने वाला इसका। ये एक पोर्टल ब्लॉक है जो कि हमें 1.20 के एंड अपडेट में शायद से मिल सकता है, वो भी क्रिएटिव में। जैसे इस पर टच करोगे तुम लोग पहुंच जाओगे एंड में। 1.20 का एंड, और यार ये दिखने में काफी बढ़िया और काफी खतरनाक लग रहा है, क्योंकि और मेरे वाले में आई डोंट नो कुछ ग्लिच था या फिर कुछ, और मेरे वाले में एंड सिटी भी स्पॉन के एकदम ही सामने थी। चलो इसे थोड़ा डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड यार यहाँ पर काफी टाइप के फ्लावर्स एंड काफी नई नई नए ब्लॉक्स एंड काफी नए टाइप के मॉब्स भी आ चुके हैं, जैसे कि ये उड़ने वाला ततैया, मेरे को पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बट मैं इसे उड़ने वाला ततैया कहता हूँ। ओए एंड साथ ही साथ में ये एंडर आई वाले फ्लावर और ये कुछ नए ब्लॉक्स आए हैं, मेरे को नहीं पता इनका नाम, बट काफी बढ़िया लग रहा है ये एंड। यार यहाँ पर घूमते घूमते मुझे अचानक से एक मॉब दिख गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, चलो जल्दी से उसे ढूंढते। वो रहा, वो ये अपना स्ट्राइडर की तरह ही कुछ लगता है, स्ट्राइडर या वो कैसा ही कुछ कहते हैं उसे, बट ये क्या है पता नहीं, ऊपर इस पे में माउंट होएगा और इसका टेक्सचर ना एकदम ही अपने वार्डन की तरह है। ये दिखने में काफी बढ़िया है और मुझे लगता है इसे हम एंड में एज ए पेट भी टेम कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम आसानी से वही सेडल लगाकर घूम सकते हैं एंड में। और यार ये पर्सनली मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा चीज़, क्योंकि एंड में हम अपने हॉर्सेस को नहीं ला सकते शायद। और यार एंड अपडेट में हमारे पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इतने सारे स्पॉन है जिसमें काफ़ी सारे नए नए मॉब्स भी है, और साथ में हमें इतनी सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आर्मर, रिस्पॉन, एंकर फॉर एंड एंड काफ़ी बढ़िया टाइप के न्यू न्यू क्राफ्टिंग टेबल, फिर साथ ही साथ में कुछ एंड रोड, कुछ नए फैंस, कुछ नए स्लैब्स, कुछ नए स्टेयर्स एंड बहुत कुछ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, जिससे हम अपने बिल्ड्स को काफ़ी नेक्स्ट लेवल और ओपी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यार ये सारी चीज़ें ना हमें, मतलब मेरे को तो इसमें क्रिएटिव में मिल रही, आई डोंट नो ये एंड अपडेट में आ जाएगी या नहीं, बट शायद से आ जाएंगी। और यार इसमें काफ़ी टाइप के न्यू न्यू वेपन्स भी है, जैसे कि एंड बो, फिर हो गया अल्फा स्वॉर्ड, फिर हो गया एंड स्वॉर्ड, फिर हो गया एंड शेवल, ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। एंड साथ ही साथ में कुछ कुछ नया एग भी है, कोई आई डोंट नो कोई नया मॉब एड होने वाला है या नहीं। और इसमें एक बकेट भी है जिसे शायद हम एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बकेट करके। एंड यार इसमें एक नया आर्मर है, चलो इसे मैं ट्राई करता हूँ, एंड स्टोन आर्मर, मतलब कि हम अब स्टोन के भी आर्मर बना सकते हैं, वो भी एंड के। तो यार जल्दी से इस आर्मर को पहन के आपको दिखाता हूँ। ओ भाई मैं तो पूरा का पूरा रंग गया एंड के रंग में, मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, और मेरे को भी एक पर्सनली पसंद आई इसलिए। और ये वाटर बकेट शायद से एक ही ब्लॉक की है क्या, मेरे को लगता है मुझे एक और ट्राई करनी चाहिए। ओके ओके ओके, वाटर भी फैल चुका है जैसे नॉर्मल वाटर फैलता है, बट यार ये काफ़ी, मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि इसके साथ साथ हमें दो वाटर बकेट फ्री में मिल गई उस पर खड़े रहने पे, यार ये चीज़ बढ़िया है। सो यार अभी बात कर लेते हैं कुछ एंड के मॉब्स की। सो यार तो अपने फर्स्ट मॉब को बुला लेते हैं, मेरे को नाम नहीं पता सभी के, तुम लोग यहाँ स्क्रीन पर देख लो। और ये कोई फैंटम टाइप का बर्ड है, बर्ड इसे कहना पड़ेगा क्योंकि फैंटम टाइप का कोई हॉस्टाइल मॉब मेरे को लगता है, शायद हॉस्टाइल ही कहते हैं, मेरे को नहीं पता। और ये एक, ये क्या था, ये एक एंडरमैन है जो कि इतना बड़ा है भैया, ये किसी की बैंड बजाने के लिए काफी है, और इसने मेरे आई थिंक किसी मॉब को भी मार दिया, खैर इससे दूर ही रहने में भलाई है।
और यार अभी एक और स्पॉनर ये क्या है, आई ऑफेंडर है ये क्या है, आई ऑफेंड क्या, खैर इसे जो भी कहते हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं। अब दूसरा, ओ भैया ये क्या फ्लावर है, मुझे लगता है इसके आसपास कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी मॉब आएगा तो ये उसे खा जाएगा, और इसके बदले में हमें शायद से कुछ चीज़ें भी मिल सकती है। और ये है अपना वाइट एंडरमैन जो कि बहुत शर्मीला है, खड़ा ही नहीं रहता एक जगह। और यार ये है अपना मैग्मा क्यूब टाइप कोई एंड क्यूब शायद से, और वेट मिनट इसने मेरे आई ऑफेंडर को खा लिया, खैर कोई नहीं। अब ये है अपना स्पॉन एंड ब्रांड, ओ भाई ये क्या है, खतरनाक है। इसकी लड़ाई ना अपन वार्डन से करवाएंगे एक वीडियो में, और देखते हैं कौन जीतता है, ये या वार्डन। भैया ये मेरे को लगता है 100% वार्डन को पछाड़ देगा। और ये है एक लूस, इसे क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया यार, मैंने काफ़ी टाइम से माइनक्राफ्ट नहीं खेला, खैर इसे जो भी कहते हैं वो कहने दो। और अभी एक एक और ये भी वो फ्लावर ही है बड़ा वाला, खैर ये तो ठीक है। सो यार अब ये है कोई ग्रीन मैग्मा क्यूब, यार ये मैग्मा क्यूब के इतने सारे वेरिएंट क्यों ऐड किए आई डोंट नो। और ये है फ्री, ओ भाई आई थिंक ये एंडर ड्रैगन को डैमेज दे रहा है साला, और इसके और एंडर ड्रैगन के बीच में लड़ाई हो रही है। भैया इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा अगर ये एंड अपडेट में आएगा तो, वरना तो अपनी तो बैंड बजना पक्का है। और ये है अपना छोटू सा वार्डन, या ऐसे कुछ और ही नाम होगा मेरे को नहीं पता, बट ये बहुत ही प्यारा मॉब है। और ये है अपना वेट मिनट, ये छतरी किसने यहाँ रख दी, और ये छतरी टूट रही है आई थिंक, खैर कोई नहीं जो भी होगा। और ये है अपना सबसे बेस्ट चीज़, ये अपने से ट्रेड करता है, मतलब इसका नाम तो मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि यार ये गेम में रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। और इसके ने साथ अपन कोई जेम है जो कि आपको एंड एंड में माइनिंग करने के बाद मिलेगी, उसी से आप इससे ट्रेड कर सकते हो। और साथ ही साथ में ये अपने पास है कोई एक छोटी सी फिश, और ये है अपने पास ततैया, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, और सभी लोग गाली देने वाले इसे देखकर। और ये है अपना छोटू सा कुछ है पता नहीं क्या है बट है, और एक और ततैया वो भी बोन मिल ततैया। तो यार अपने अभी थोड़े से ही मॉब बचे, और इसमें से एक है अपना स्पेशली छोटू सा एंडर ड्रैगन जो कि पता नहीं क्या करता है बट ये भी डैमेज शायद से देता होगा बढ़िया ढंग से, खैर। और ये है अपना दूसरा ततैया, और ये अपना वही ग्रीन स्लाइम, और भैया इसने एंडर छोटे एंडर ड्रैगन को मारा। और ये आई डोंट नो क्या है बट इसके ऊपर अपन बैठ सकते हैं यार, और मुझे लगता है इसे अपन टेम भी कर सकते हैं, और आई थिंक ये कोई अपना पेट टाइप की है, मतलब कि इसे आप ऐसे हॉर्स या फिर किसी भी मॉब की तरह यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर एंड में आई थिंक ये नॉर्मल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मेरे को नहीं मालूम अगर है। तो भैया इसको टेम करना तो अपन को बनता ही चाहिए। और ये है अपना कोई आई डोंट नो ये क्या है बट ये कुछ मगरमच्छ जैसी चीज है, और वो एक मिनट एक और है अपने पास, आई डोंट नो क्या क्या चीज है इसे एंड अपडेट में आने वाली है। और भैया मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये अपडेट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और यार हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें एंड अपडेट में इतने सारे ब्लॉक्स और इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, और हाँ इसके बारे में मेरे को डिटेल में कुछ भी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ कुछ भी नहीं पता मेरे को, इसीलिए मैं अभी ये डिटेल वीडियो तो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट डिटेल वीडियो अगर तुम लोग चाहते हो तो ये डिटेल वीडियो भी तुम्हारे पास ज़रूर से आएगी। और या इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे कि ये पोशन ऑफ एंड ब्रेथ, मेरे को पता नहीं ये किस काम का है बट है, और ये कुछ लाइन टेन टाइप है, और ये एंड पोर्टल जो मैंने तुम लोगों को दिखा है जिसके ऊपर तुम आसानी से एंड टू नॉर्मल वर्ल्ड और नॉर्मल वर्ल्ड टू एंड आ जा सकते हो वो भी विदाउट एंडर पोर्टल। सो या इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक करो यार, और कमेंट करके बता दो अपना नाम। और हाँ मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगर तुम्हें इसका डिटेल रिव्यू चाहिए इस पूरे एंड अपडेट का तो भी मुझे को कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो, मैं इसका डिटेल रिव्यू जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।
तो या मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।